जब आपके साथ गलत करने वाला कोई अनजान हो, कोई बाहर वाला हो, तो आप उससे जूझ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो कोई अपना हो, करीबी हो और मुश्किल हो जाए आवाज उठाना? कभी कभी जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। क्या हुआ बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बात है प्रगति बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों? तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। खुदा ने कितनी फुर्सत से तराशा है तुम्हें, कितनी खूबसूरत हो तुम। एब्सोल्युटली सर। जी सर। सर वो मैंने आपके सब कार पेपर्स चेक कर लिए हैं, आप कभी भी आके अपनी कार डिलीवरी ले सकते हैं। सर तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि कल आके आप अपनी कार डिलीवरी लेंगे? क्या हुआ प्रगति, क्या हुआ? क्या बोलूं, मेरे बोलने का कुछ फायदा है? हाँ, मुझे रोज हैरेस किया जाता है, मेंटली फिजिकली, लेकिन आपको तो कुछ नजर नहीं आता ना, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहती। तुम वापस इकबाल की बातों को लेके बैठ गई हो ना प्रगति, वो तुम्हारे पापा है। हाँ मैं मानती हूँ वो तुम्हारे सगे पापा नहीं है, लेकिन ऐसे बार बार उन्हें ब्लेम करके मुझे भड़काना बंद करो बेटा। जब तुम्हारे सगे पापा ने हमारी जिंदगी नरक कर दी थी ना, तो यही इकबाल हमारे लिए खड़े हुए थे। अब अपनी ये कहानियां बनाना बंद करो प्लीज। माँ मैं कोई कहानियां नहीं बना रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। कैसे बताऊं आपको कि मैं किस नर्क में सांस ले रही हूं? वीना सोच रही थी कि प्रगति का अपने सौतेले पिता इकबाल के लिए ये आक्रोश सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रगति वीना की दूसरी शादी से शायद नाराज थी। वीना कभी मान ही नहीं सकती थी कि इकबाल उसकी बेटी के साथ कोई गलत काम कर सकता है, जैसा कि प्रगति कह रही थी, क्योंकि इकबाल ही वो इंसान था जो वीना की हर मुसीबत में उसका सहारा बना था। तुम दिल के जख्मों को तो छुपा लोगे, लेकिन इन जख्मों का क्या? जिंदगी कागज पे लिखी कोई कहानी नहीं जिसे जब चाहे मिटा दो। मेरी 8 साल की बच्ची है, मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं है। लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है, एक औरत जो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, उसके लिए अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को संवारना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? आगे तुम्हारी मर्जी, या तो अपने घर में अपने पति के हाथों तिल तिल मरती रहो, या तो घर की दहलीज को लांग कर जिंदगी को गले लगाओ। फैसला तुम्हारा है और तुम जो भी फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एक दोस्त की तरह। Thank you.
अब और बर्दाश्त नहीं होती है जिल्लत की जिंदगी। हम एक नई हवा में सांस लेके बेटा, हम एक नई हवा में सांस लेके। तुमने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? और बेटा, 9 साल तक तुम ये सब अकेली सहती रही। हम तेरे कितने पास रहते हैं बेटा, तुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें आके बताए? मुझे तो बस यही लगता था, आप लोगों को कभी ये गिल्ट ना हो कि आपने मेरे लिए गलत लड़का चुना। और फिर मुझे तो यही लगता था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बीना, पर आप कुछ ठीक होते हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा पापा। बस आप और बर्दाश्त नहीं होता। तेरे दर्द को देखकर दुख तो हो गए हमें, चाहे तू ये सब कुछ पहले बताती जब चुपचाप सह रही थी, या फिर अब बता रही जब तू उसे छोड़ के आई है। तुझे दुखी देखकर हम कैसे चैन से रह सकते बेटा? इकबाल, मैं इस तरह आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती। प्रगति अब बड़ी हो गई है, मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि लोगों की बातों का गलत असर उस पर पड़े। आई डोंट हैव एनी चॉइस। या तो हम शादी कर लेते हैं या फिर इस रिलेशनशिप को यहीं पे रोक देते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वीणा, और हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ पाओगी। इस साथ का मुझे कुछ नाम चाहिए इकबाल, कोई मतलब चाहिए। फौजिया 14 की है और साजिया सिर्फ 12 की, वो दोनों सुनेंगी तो क्या सोचेंगी? इकबाल, आप अपने हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। देखो नसरीन, मैं वीना से प्यार करता हूं और उसे निगाह कर रहा हूं। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। तो ठीक है, जो आपके दिल में आए वो आप कीजिए, पर हम आपसे एक बात कह देते हैं कि हम उस औरत को अपने इस घर में कभी दाखिल नहीं होने देंगे, और तो और आपकी कंपनी में भी कभी काम नहीं करने देंगे। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। बेटा, संचित तलाकशुदा है लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, अगर वो तुझे पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे, अच्छा रिश्ता। हाँ बेटा, लेकिन ये इकबाल ही क्यों? मैं इकबाल से प्यार करती हूँ और उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। शादी के लिए बहुत से अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन ये आप लोग जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इकबाल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो ना ही मुझे धर्म बदलने के लिए कहेगा और ना ही प्रगति को। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो भी कुछ कर रही हूं सोच समझ के कर रही हूं। कॉन्ग्रेट्स वीना, कॉन्ग्रेट्स इकबाल। थैंक यू रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, अब ये दोनों मियां बीवी हैं, नाउ चीयर्स फॉर देम। वीना इकबाल से प्यार करती थी और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। अपने खास लोगों के मुंह से उसने इकबाल के बारे में बहुत गलत बातें सुनी थी, लेकिन वो इकबाल से इतना प्यार करती थी कि उसे इकबाल में सिर्फ वही दिखता था जो वो देखना चाहती थी। तो रश्मि, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? अच्छे, मुझे बहुत मिस करते हैं वहाँ। बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत। और तुम? मैं भी। हाँ, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है,
8 महीने हुए होंगे नहीं जी वो फॉरेन कंट्री में और तुम यहाँ बहुत अकेलापन होगा ना जिंदगी में हाँ वो तो है चलो एक बार थैंक यू सो मच बाय रश्मि हाँ अकेलापन बहुत ही खौफनाक और डिप्रेसिंग होता है हाँ पर मैं खुश हूँ वो भी खुश है कोई प्रॉब्लम नहीं है यू नो कभी कभी मैं भी बहुत ही अकेलापन महसूस करता हूँ तुम तो अपनी कजिन को जानती हो ना हम साथ में बहुत खुश हैं लेकिन फिर भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है मुझे लगता है हमें मिलते रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकें अपनी मुस्कुराहट और अपने अकेलेपन को बांट सकें ओके इकबाल मैं चलती हूँ बाय प्रगति आ जाओ बेटा खाना तैयार है हेलो रश्मि कैसी हो तुम बहुत दिन हो गए कोई खबर नहीं अच्छा वीना एक बात बता तुम्हारे और इकबाल के बीच में सब ठीक चल रहा है ना हाँ क्यों नहीं वो इकबाल आज मेरे ऑफिस आए थे मुझे घर तक लिफ्ट भी ऑफर की पहले भी कर चुके हैं हाँ तो पता है मुझे तुम्हारे बॉस भी तो उनके क्लाइंट ही है ना वीना वो इकबाल बहुत दिनों से मुझे कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए भी या नहीं क्या रश्मि की प्रॉब्लम क्या है वो सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूं वो पागल हो गई है क्या और उसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया हा? मैं तो वही कह रही हूं जो उसने मुझसे कहा यू नो व्हाट मीना तुम्हारे घर वालों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं मुझे हमेशा यह एहसास हुआ है कि वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये रश्मि भी यही कर रही है हमें अलग करने की कोशिश कर रही है उसने तो मुझे ये भी बताया कि आपने उससे कहा कि आप बहुत अकेला फील करते हैं इकबाल मेरे होते हुए व्हाट नॉनसेंस वीना देखो वीना मैंने तुम्हारी जिंदगी को सहारा नहीं दिया है बल्कि तुमने मेरी जिंदगी को नए मायने दिए हैं सवारा है मेरी जिंदगी को और मैं जानता हूं कि ये रश्मि ऐसा क्यों कर रही है भले ही वो तुम्हारी कजिन हो लेकिन दिल ही दिल में वो तुमसे चलती है ये गिफ्ट्स तुम दोनों के लिए प्रगति ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए क्यों ये ड्रेसेस तुम दोनों पे बहुत अच्छी लगेंगी प्रगति अपने पापा को पहन के नहीं दिखाओगे बेटा ये क्या तरीका है माँ आप चाहती थी ना कि मैं बाहर आऊँ मैं बाहर आई और उस आदमी ने मुझे जो दिया मैंने आपके लिए चुपचाप रख लिया तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कपड़े लेके आए हैं अपनों को इतना ईगो दिखाना ठीक नहीं है बेटा बस कपड़े ही तो पहन के दिखाने हैं
आपका इकबाल कोई पहली बार मेरे ड्रेस लेकर नहीं आया है। वो तुम्हारे पिता हैं। सौतेले पिता। ठीक है, मान लिया वो तुम्हारे सौतेले पिता हैं। लेकिन बेटा ये ड्रेसेस तो तुम्हारे लिए हैं। तीन साइज छोटी ड्रेस। हर बार माँ, हर बार वो मेरे लिए इतने छोटे कपड़े क्यों लाता है? क्योंकि वो मेरी बॉडी को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखना चाहता है माँ। आपको ये बात समझ में नहीं आती है ना? दिमाग में कचरा भर के रखा है तूने। खुले दिमाग से सोचना सीख प्रकृति, प्लीज। मुझे अपनी सोच बदलने की जरूरत नहीं है माँ, आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। एक बार प्रगति के बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। उसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? होता है, वो टीनेज में है और इस उम्र में बदलाव आते हैं, फिजिकली मेंटली हर तरह के। प्लीज तुम ये सब बातों को सीरियसली मत लो और उसे समझने की कोशिश करो। पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें करती है मेरा दिल दुखाने के लिए। तुम्हें पता भी है वो कैसे? मीना, वो इतना कुछ पढ़ती है, इतना कुछ देखती है, कहानियां तो बनाएगी ना, और वो हर हफ्ते अपने असली पिता से भी तो मिलने जाती है, और वो इंसान तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहता बिना। पता नहीं वो प्रगति को क्या क्या सिखाता होगा। इसलिए प्लीज तुम ये सब बात अपने दिमाग में मत लाओ, बस तुम खुश रहा करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वीना को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उसकी बेटी प्रगति जो कुछ भी उससे कह रही थी उसमें कुछ तो सच हो सकता था। और दूसरी तरफ प्रगति की हालत ऐसी थी कि वो ये बात अपनी माँ के अलावा और किसी को नहीं बता सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इकबाल के बुरे बर्ताव की खबरें वीना को अक्सर मिलती रहती। वीना थोड़ी देर के लिए सुनकर परेशान तो होती, लेकिन उसने कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं किया। हेलो वीना जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। संजय इकबाल के ऑफिस से? जी हाँ। हाँ बोलो संजय। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल काम है। लेकिन संजय काम क्या है ये तो बताओ। वो क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? दरअसल मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, 1:30 बजे मेरा लंच ब्रेक रहता है तो हम तब मिल सकते हैं। हाँ संजय बोलो। वीना जी बात यह है कि 2 महीना पहले श्वेता नाम की एक लड़की ने हमारे ऑफिस में ज्वाइन किया था। ओके। और एक दिन वो इकबाल सर के केबिन से भागती हुई बाहर आई और वो बहुत रो रही थी। श्वेता क्या हुआ? और उसके 3 दिन बाद श्वेता ने नौकरी छोड़ दी। तुम कहना क्या चाहते हो? श्वेता ने मुझे बताया कि इकबाल सर उसके साथ फिजिकल होना चाहते थे। वो उसे अपने केबिन में बुलाते थे, इधर उधर हाथ लगाते थे, उसके सामने गंदे गंदे प्रपोजल्स रखते थे, उसे बाहर बुलाते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे जिसे सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए। और श्वेता ने पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि इस सबसे उसकी ही इज्जत उछलेगी। तुम्हें ये मदद चाहिए थी मुझसे? तुम्हारी बातों में अगर जरा भी सच्चाई है ना तो जाओ इकबाल से डायरेक्टली जाके बात करो, या फिर उस लड़की से कहो कि वो इकबाल से जाके बात करे। वो लड़की अब वापस नहीं आएगी। वीना जी मैंने आपको ये सब सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आप इकबाल सर की वाइफ हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब कुछ मुझे मेरे कान भरने के लिए बता रहे हो, मेरे मन में मेरे पति के खिलाफ जहर घोल रहे हो। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ पे किसने समझा बुझा के भेजा है, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी संजय कि ये हथकंडे तुम कहीं और आजमाना। चलती हूँ मैं। गुड आफ्टरनून, एवरी कार सेल्स एंड सर्विसेज।
वीना, वीना, हाँ, वीना सुन, मुझे बहुत दिनों से तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। वीना, तुम मेरी बेटी चंचल को तो जानती हो ना? हाँ। चंचल की एक बहुत अच्छी दोस्त है शीतल, और शीतल फोजिया की पक्की दोस्त है, इकबाल की बेटी। तो मुझे चंचल बता रही थी कि शीतल और इकबाल का कुछ चक्कर चल रहा है। वो उसकी बेटी की दोस्त है, उसकी उम्र की। आरती, तुम्हें ऐसी सुनी सुनी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि लोग वो नहीं कहते जो वो देखते हैं, वो कहते हैं जो वो समझते हैं। खैर, मुझे काम है, फिर मिलती हूँ। प्यारी माँ, माँ मैं जानती हूँ कि मेरे पापा एक बहुत ही बुरे इंसान थे, लेकिन सच तो ये है कि उनसे कहीं बुरा इंसान तो ये इकबाल है। हर रोज जब ये अकेले में मेरे साथ होता है, उस वक्त मुझे घुटन होती है। ये रोज मेरा फायदा उठाता है, अपने गंदे हाथों से मुझे छूता है। लेकिन आपको ना तो कुछ नजर आता है और ना ही आप मेरी बात पर यकीन करेंगी, क्योंकि इसने आपके ऊपर जादू कर रखा है। आप उसके मन में मेरे लिए प्यार तो देख पाती हैं, लेकिन वो हवस नहीं देख पाती जो इसकी आंखों में मेरे लिए है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? लेकिन जब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, तब आप मेरा यकीन ज़रूर करेंगी। जब आप मेरी लाश देखेंगी ना, तब आपको मेरी हर बात याद आएगी। आपकी प्रगति। जावेद के घर वाले दिसंबर तक निकाह कर देना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फौजिया का क्या कहना है? लो भाई, इनकी मुस्कुराहट ने तो सब कुछ कह दिया, अब देर किस बात की। हाँ कह दो नसरीन, ये हमारे घर का पहला निकाह होगा, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जान, कैसी हो? आप कल आए नहीं? हाँ, वो मैं नसरीन के साथ था। एक्चुअली बात यह है कि वो फौजिया का निकाह तय हो गया है, और इसी सिलसिले में नसरीन को मुझसे कुछ बात करनी थी। आप आज रात आएंगे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जान, तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? तुम में तो हमारी जान अटकी हुई है। लव यू। बोलो रश्मि। वीना प्लीज मेरे ऑफिस आ जाओ और इकबाल को साथ लेकर आना। क्या हुआ रश्मि? बस यहाँ पे आ जाओ और प्लीज उसे साथ लेकर आना। पर हुआ क्या है ये तो बताओ। बस तुम उन्हें लेकर यहाँ पे आ जाओ, वरना ये मैटर पुलिस तक पहुँच जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वीना, लेकिन हुआ क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता इकबाल, शायद वो किसी परेशानी में हो। परेशानी थी तो बता भी तो सकती थी ना, अपनी परेशानी दूसरों के सर क्यों डाल रही? इकबाल हुआ होगा कुछ। रश्मि क्या हुआ? सब ठीक तो है ना रश्मि? तुमने अचानक हमें फोन करके यहाँ बुला लिया, बात क्या है? हाँ ये वही आवाज थी। हेलो, मैं रानी शर्मा से बात कर सकता हूँ?
जी बोल रही हूँ। सुजीत शर्मा आपके हस्बैंड है, है ना? जी आप कौन? ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। वो इसी की आवाज थी। वीना, ये आदमी इकबाल हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसने रानी मैम को फोन किया और कहा कि मेरे और इनके पति यानी कि मेरे बॉस के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इसी की आवाज थी। मैडम जरा अपने पति पर नजर रखिए, उसके ऑफिस में जो रश्मि है ना, आजकल दोनों बहुत घुल मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो रश्मि इतनी घुल मिल जाए कि आपको ही दोनों दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंके। आगे आपकी मर्जी। हेलो, हेलो। ये क्या बकवास है? कोई आपको फोन करके आपके साथ बेहुदा मजाक करने की कोशिश करता है, उसमें मैं बीच में कहां से आ गया? और रश्मि, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? रानी जी ने यहाँ आकर मुझे और सुजीत सर को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब इन्होंने बताया कि किसी ने फोन करके इन्हें ये सब कहा है, तो मुझे समझने में एक मिनट भी नहीं लगा कि घटिया करतूत इस इंसान की है। इसकी दाल मेरे आगे तो गली नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें इसके साथ यहाँ पर बुलाया। सब बकवास है ये, सब बकवास। ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम कभी नहीं चाहती थी कि मैं और वीना शादी करें, इसलिए हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन इन सब में तुम मेरी फैमिली को क्यों ला रहे हो? मैडम, मुझे नहीं पता कि आपको कौन फोन कर रहा था। मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल रश्मि खेल रही है, क्योंकि वो अपनी बहन से जलती है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। रश्मि, ये मेरे पति हैं। वीना। थैंक्स वीना, एटलीस्ट तुम तो इनके बहकावे में नहीं आ रही हो। मुझे तो लगता है कि ये सब मिलकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीना, तुम अंधी हो रही हो। बिल्कुल नहीं रश्मि, बल्कि अब तो सब कुछ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम बार बार मेरे और इकबाल के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही हो, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार तुम हम दोनों के बीच जहर घोलने की कोशिश कर रही हो। हाँ वीना, याद है तुमने मुझे कहा था वो कार में ड्रॉप करने वाली बात? सच तो ये है कि यही मुझ पे डोरे डाल रही थी, इसी ने मुझे बुलाया था और अब पूरी बात ही घुमा दी। एनीवेज, इनसे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। लेट्स गो। लेकिन जब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी तब आपको मेरी हर बात याद आएगी। प्रगति, 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 कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो इंसान जिसे आप मेरा पिता बनाकर लाई है और चाहती है कि मैं उसे अपना पिता मान लूं, वो मुझ पर कितनी गलत नजर रखता है। मुझे बार बार फिजिकली मोलेस्ट करता है माँ, और फिर ये सारी बातें अगर मैं आपसे आकर नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूं माँ? और फिर जब आप भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती तो फिर मैं रोज रोज मर कर जी रही हूँ। क्या करूँ मैं माँ, क्या करूं? क्या मैं प्रगति के साथ छेड़खानी करता हूं, अपनी बेटी को मॉलेस्ट करता हूं? मैं इसके ऊपर हाथ रखकर कसम खाता हूं वीना, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। तू मुझे छोड़ के जाना चाहती हो ना, जाओ। पुलिस में कंप्लेन करना चाहती हो, बेशक करो,
मुझे बदनाम करना चाहती हो ना करो, लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मुझसे ऐसे बेबुनियाद इल्जाम की सफाई मत मांगो प्लीज। बिना मैं दो बेटियों का बाप हूं, मेरी बड़ी बेटी का निकाह होने वाला है। प्रगति कहती है कि मैंने उसके साथ ऐसी जलील हरकत की। हाँ मैं उसका सौतेला बाप हूं, लेकिन मैंने तुम दोनों को पूरे दिल से अपनाया है बिना। हाँ मैं उसे मिलने जाता हूं, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए छोटी सी जगह बन सके इसलिए, उसकी जिंदगी में एक बाप की कमी पूरी हो सके इसलिए, और वो मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रही, इन सब का ये सिला दे रही है। तुम एक काम करो, एक चाकू लो और मेरे सीने के आर पार कर दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझ पर ऐसा बेबुन इल्जाम मत लगाओ बिना। तुम तो मत लगाओ, मैं दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी नजरों में मुझे गिरा दोगी तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। हैरत होती है कि वो ऐसा भी कर सकती है बिना। वो एक 16 साल की बच्ची है, उसे तो मैं माफ कर लूंगा, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसी जलील हरकत कर सकता हूं? कैसे? प्रगति और अपनी ये सारी हरकतें बंद करो। तो आप फिर से उस आदमी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई, अब उसके लिए अंधी हो रही है माँ। तुम चाहती क्या हो? छोड़ दूँ मैं उसे? जाने दूँ उसे? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? तुम हर वक्त अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? माँ आप आईने में वो देख रही हैं जो आप देखना चाहती हैं, अब वो तो देख ही नहीं रही जो असल में वो आईना आपको दिखाना चाह रहा है। क्या सब इकबाल के खिलाफ कहानियां बना रहे थे? ऐसी क्या बात थी कि सबके बार बार इकबाल के खिलाफ बोलने के बाद भी वीना का इकबाल पर विश्वास अटल था? क्या सच कभी वीना के सामने आ पाएगा? वैसे सवाल यह भी है कि सच आखिर था क्या? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? अब होगा वही जो मैं चाहूंगा, है ना? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सच से समझौता कर लो। और सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। अरे अब जब तुम जान ही गई हो कि तुम्हें इसी सच के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो कम से कम दरवाजा मुस्कुरा के तो खोला करो। गुड बाय स्वीट हार्ट, कल मिलते हैं। और मैं जानता हूं कि कल तुम जब दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होगी। गुड बाय।
आने पर। हाँ, लेकिन तुम उन्हें पापा कह के बुलाओगी तो सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। अब तक तो आप सिर्फ सुनती आई थी, और मैं जानती हूँ अब सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं करती। आज देख भी लीजिए कि ये पापा रोज अपनी बेटी के साथ क्या करते हैं। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? अब होगा वही जो मैं चाहूंगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सच से समझौता कर लो, और सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि कल तुम जब दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होगी। ये वो सच है जो मैं रोज जीती हूँ। हाय बेटा। क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वीना, क्या बन रहा है खाने में? क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? इसने फिर से कुछ कह दिया तुम्हें? हाँ प्रगति, क्या कहा अपनी माँ से? उसे क्यों बार बार डिस्टर्ब करती रहती हो तुम? हाँ वीना, वीना, खबरदार जो मेरी माँ को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या पट्टी पढ़ाई इसने तुम्हें? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? सब झूठ है, वही जो मैं चाहूँगा सब झूठ है। मुझसे उलझने की कोशिश करियो तुम? हाँ छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर रख दूंगा तुम दोनों को। अगर ये क्लिप किसी को दिखाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो जीना आराम कर दूंगा तुम दोनों का, जीना आराम कर दूंगा। भीख मांगती हूँ, पुलिस इकबाल को जगह जगह ढूंढ रही है, पुलिस को की गई ये शिकायत वापस ले लो। देखो मेरी बेटी फौजिया का निकाह तय हुआ है, अगर रिश्तेदारों में बात पता चली तो हमारी तो नाक कट जाएगी, मेरी बेटी फौजिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये शिकायत वापस ले लो, अल्लाह के लिए ऐसा मत करो। माँ नसरीन जी, उस इंसान ने बहुत दिनों तक मुझे तड़पाया है, खेला है मेरे साथ, और मैं ये बात बाहर जाकर किसी से कह भी नहीं सकती थी, लेकिन आज मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। अब मैं ये कंप्लेन वापस नहीं लेने वाली। उस इंसान ने जो घटिया हरकत की है मेरे साथ, उसकी सजा तो उसे ज़रूर मिलेगी। वो ना तो एक अच्छा इंसान है और ना ही एक अच्छा पिता, और अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो न जाने और कितनी लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करेगा। हो सकता है कि ये सब कुछ किसी और घर में भी हो रहा होगा। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, इसकी परवाह किए बिना मैं ये सब कुछ खुद जाकर बताऊंगी। शायद इसे देखकर वो लोग भी आगे आएंगे जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। इकबाल को अरेस्ट करने में कुछ वक्त लगा, उसने माँ और बेटी को डराने के सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक काबिल वकील ने प्रगति का केस अपने हाथों में लिया और इकबाल की घटिया हरकतों से पूरी दुनिया को रूबरू करवाया। प्रगति और वीना अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हैं। इकबाल को सेक्शन 354A के तहत असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद द इंटेंट ऑफ आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी, और पॉक्सो यानी के प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम
सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जब गलत करने वाला कोई बाहर का होता है तो उसे पहचानना हमारे लिए आसान होता है। हम उसे ठीक करने का हर संभव प्रयास करते हैं, उसकी शिकायत दर्ज करते हैं, गलत करने वाले को सजा दिलवाते हैं। लेकिन जब गलत करने वाला हमारे घर के अंदर का ही हो तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसके साथ गलत होता है वो अक्सर इस द्वंद में रहता है कि वो अपनी ये बात किससे कहे, कोई ऐसा जो उसकी बात पर विश्वास करे, सही कदम उठाए। इस बात का डर भी रहता है कि कहीं उसकी बात का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया जाए। हम प्रगति की हिम्मत की दाद देते हैं कि उसने अपने साथ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाई और सही कदम उठाकर उस इंसान को कानून के हवाले करवाया। जब भी कोई बच्चा किसी के खिलाफ गलत हरकत करने की शिकायत करे या कोई ऐसा बर्ताव जिसमें बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे तो उसे नजरअंदाज ना करे, बल्कि उस बात पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। परसों यानी रविवार को हम लेकर आएंगे एक और ऐसा ही केस जहां घर के अंदर ही किसी अपने ने अपने के ही साथ किया विश्वासघात। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।